नमस्कार, मैं निकिता। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर यूपी के एटा से है, जहां एटा में पीपल अड्डा निवास रमेश चंद्र साल 2011 में फौज से रिटायर होने के बाद एक फौजी घर से पेंशन लेने के लिए निकला था, लेकिन आज तक वह घर नहीं लौटा है। वहीं फौजी की पत्नी भी अचानक 2014 में लापता हो गई, जिसके बाद से अपने माता पिता को ढूंढने के लिए एक बेटी पुलिस के चक्कर काट रही है। माता पिता की तलाश कर रही युवती ने 2014 में कोर्ट की मदद से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नौकरी करते थे, वो पेंशन निकालने एक्सिस बैंक में आए, तो वहाँ से लापता हो गई। कब कब लापता हुए हैं, कितने साल से? 5-6 साल हो गए। तो तब से आपने शिकायत की थी इससे पहले? की थी। हाँ, सिटी कोर्ट पाली में मैंने शिकायत की, लेकिन वहाँ से गुमशुदगी रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आज आप यहाँ आई, आज क्यों आई हैं? आज क्या हमारा मकान जो है पीपल अड्डे पर वो कब्जा कर लिया है दिनेश ने, उसके बारे में आए, जो कि उसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या इस मामले में आपने पहले भी शिकायत की थी यहाँ पर? हाँ, की थी। कोई कार्रवाई हुई? मैं यहाँ पे युवती उपस्थित हुई थी। इनका कहना है कि 2011 में इनके पिताजी गुम हो गए थे, मार्केट गए थे। उसका FIR इन्होंने 14 में लिखाया था और माँ भी गायब हुई थी, जिनका FIR 14 में लिखाया था। और इसमें FIR में क्या कार्रवाई हुई अभी इसको देखा जा रहा है। इनका कहना है कि इनके मकान किसी ने गलत तरीके से बैनामा करा लिया है, उस पर भी देखा जा रहा है। और इसमें क्या भी तथ्य है इस आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इससे पूर्व में भी ये लड़की आपसे यहाँ पुलिस ऑफिस आ चुकी है और अपनी समस्या बता चुकी है हमें, महीने उसके बावजूद भी अभी तक क्या कार्रवाई रही है? अच्छा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, आज मेरे सामने है, इसके आगे कार्रवाई देखते हैं। आरोप है कि आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। युवती ने शुक्रवार को एडिशनल SP से मिलकर लापता माता पिता को तलाश करने की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि इस बीच युवती का मकान भी दबंगों ने हथिया लिया है। दरअसल जिले के पीपल अड्डा निवास में रमेश चंद्र साल 2011 में फौज से सेनानिवृत्त होने के बाद पेंशन लेने के बैंक जा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। पुलिस से शिकायत हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके कुछ साल बाद यानी 2014 में रमेश चंद्र की पत्नी सरोज देवी का भी अपहरण कर लिया गया। तब से लेकर आज तक गायब हुई दंपति की बेटी ममता अपने माता पिता की तलाश में पुलिस के चक्कर काट रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट।